अभी हम जो है एंटोनियो ग्रामसी को पढ़ रहे थे, इटली के बहुत बड़े मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे। अब जो है हम न्यू मार्क्सिस्ट के अगले थिंकर्स को समझने का प्रयास करते हैं। वो भी ये समझाना चाहते हैं कि सिविक एक कैपिटल स्टेट कैसे काम करता है, कैसे अपने स्वरूप को सस्टेन करके रखा है, और दूसरा बात जो है क्यों लोगों में जब पूंजीवादी व्यवस्था इतनी शोषणकारी है, भेदभाव के कारण जिम्मेदार है, शोषण के लिए जिम्मेदार है, मूल रूप से बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के लिए जिम्मेदार है, आपकी आपकी सम्मान नहीं मिल रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आप गरीब हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। आप गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है संपत्ति को लेकर, जो बंटवारा है, वितरण है, असमानता है, उसके लिए जिम्मेदार है, विषमता के लिए जिम्मेदार है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर डिस्पेरिटी है, असमानता है, वो इसलिए जब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है फिर भी वो व्यवस्था बनाए रखे हैं, क्यों बना के रखे हैं, और इसके खिलाफ लोगों में क्रांति करने की कॉन्शियसनेस, चेतना क्यों विकसित नहीं हो पा रही, इसे हमने समझा। और इसको समझाने के लिए दूसरे फिलोसफर को हम समझते हैं, अल्थ्यूजर को। वो भी एक न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसफर है। कैपिटलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट जिंदा क्यों है? भारत में तो है ही, कैपिटल सोसाइटी या कैपिटल स्टेट क्यों जिंदा है? हमने कहा ये बहुत डायनेमिक होता है, रूप बदलता है, ये अपना हिजन एजेंडा नहीं बताता। क्यों जिंदा है? क्योंकि ये कैसा डायनेमिक है, गिरगिट की तरह क्या बोलता है, रूप बदलता है। जब इसको खतरा लगता है गिरगिट की तरह क्या बोलता है, रूप बदलता है। और डायनेमिक के साथ ये बहुत अपना हिजन एजेंडा नहीं बताता है। और दूसरा तीसरा ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समझौता नहीं करता है, ये समझना इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात, ये शोषण, जब हम न्यू मार्क्सिस्ट कह रहे हैं शोषण, और ये आपके असमानता के लिए जिम्मेदार है, तो फिर जिंदा क्यों है, तो फिर आज एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, तो फिर आज जिंदा क्यों है, लोगों में इसके खिलाफ जो है ये कॉन्शियस चेतना का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, उसके रीजन है, उसको समझने, किसको समझने का, न्यू मार्क्सिस्ट को समझना होगा, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स को समझना होगा। अब न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर, अभी हमने ग्राम्सी को समझा, दूसरे हैं, अभी हमने ग्राम्सी को समझा, दूसरे हैं अल्थ्यूजर, इनको समझते हैं। इनका चिंतन है एक कैपिटल सोसाइटी या कैपिटल स्टेट को किस तरीके समझते हैं, देखिए। उन्होंने कहा कि जो अभी न्यू मार्क्सिस्ट है, ये क्या न्यू मार्क्सिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट का इन्होंने आलोचना की गई, और कुछ मार्क्सिस्ट वही कालमास वाला ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की आलोचना की गई, मतलब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट में उसकी आलोचना की गई बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। कि मतलब बेस मतलब इकोनॉमी जो है, बेस कौन है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या करती है, स्टेट को निर्धारित करती है, या पॉलिटिक्स को, एकमात्र स्टेट या पॉलिटिक्स को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारण है। लेकिन इसको ये खारिज करते हैं, इस अवधारणा को खारिज करते हैं कौन, अल्थ्यूजर खारिज करते हैं। अल्थ्यूजर बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो ऑर्थोडॉक्स का मानना है, कंसेप्ट है, कि इसमें इकोनॉमी ही पॉलिटिक्स को और स्टेट को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक है, ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का मानना है। तो इस चीज को वो खारिज करते हैं, कौन, वो जो कालमास का हमने बताया ना 18th century ब्लूमायर लुइस बोनापार्ट जो किताब में कालमास रिलेटिव ऑटोनोमस का सिद्धांत दिया था, उससे उसको एक्सटेंड करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। कालमास का प्रारंभिक मानना ऐसा था, लेकिन उसने जो लुइस बोनापार्ट किताब थी उसमें थोड़ा उसने अपने आप को चेंज किया, उसने कहा स्टेट इकोनॉमी स्टेट को निर्धारित करने वाला एकमात्र उपाय नहीं है, अन्य कारण भी हैं, ऐसा हमने समझा था। लेकिन अल्थ्यूजर साहब ने यह कहा कि स्टेट
कैसे लोगों की कॉन्शियसनेस पर नियंत्रण करता है, कैसे कब्जा करता है, कैसे लोगों में चेतना का विकास होने नहीं देता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसके कारण बताए। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने बताया कि स्टेट दो तरीके से काम करता है, दो तरह से काम करता है और उन्होंने बताया कि दो, अब एकमात्र कारक है स्टेट को निर्धारित करने वाले इकोनॉमी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इकोनॉमी स्टेट को या पॉलिटिक्स को या के स्टेट को निर्धारित करने वाले अन्य कारण भी हैं, दोहरे कारण भी हैं, कारण भी होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो एंटोनी ग्राम्सी है उसके अनुसार ही सोचते हैं, उसके अनुसार ही ऐसी बात ये करना चाहते हैं। एंटोनी ग्राम्सी की तरह हैं, ये कहना चाहते हैं कि कैपिटल स्टेट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों अपना अस्तित्व बना के रखे, क्यों जिंदा है। अल्थ्यूजर साहब ग्राम्सी की तरह हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी यहाँ पे क्या कर रही है, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर का थोड़ा खारिज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी स्टेट या पॉलिटिक्स को, कल्चर को, सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक है, इसलिए